हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग एकेडमी. दिस साइड अंकिता. और आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं अपना नेक्स्ट वाले चैप्टर का वन शॉट वीडियो. तो यस गाइस, टुडे वी आर लुकिंग इनटू द वन शॉट वीडियो ऑफ योर चैप्टर नंबर 15, ठीक है, व्हिच इज द लास्ट सेकंड चैप्टर ऑफ योर केमिस्ट्री, राइट. तो जैसे कि एज यू ऑल नो गाइस की टोटल इन ऑल वी कंप्लीटेड टोटल 14 चैप्टर्स वन शॉट वीडियो फॉलोड बाय रेगुलर वीडियोस आल्सो. एंड नाउ वी आर स्विचिंग टू आर नेक्स्ट चैप्टर विच इज पॉलीमर केमिस्ट्री. तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पॉलीमर केमिस्ट्री के वन शॉट वीडियो को. बिफोर स्विचिंग टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग गाइज की बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो है इसको हल्के फुल्के तरीके से आप लोग ले सकते हो. रीजन ये है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये उतना ज्यादा टफ नहीं है जितने ज्यादा बाकी चैप्टर्स थे. जैसे कि आप सभी ने देखा कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को, अमीन्स चैप्टर को, इसी के साथ साथ आप लोगों ने देखा अल्कोहल फिनोल ईथर को, कितने टफ चैप्टर थे. बट अगर आप लोग उसी चैप्टर को इस चैप्टर के साथ कंपेयर करें तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा ईजी है और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट आते हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है. कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही बार बार पेपर में आते हैं. तो आप लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पेपर में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप आराम से करेंगे, ठीक है. सबसे पहले हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन को. इफ वी कंसीडर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन से ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है. बेसिकली आपको यहाँ पे ये बता रखा है कि पॉलीमर क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, पॉलीमर का रोल क्या होता है, पॉलीमर को हम कैसे कैसे यूज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है. मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इंट्रोडक्शन आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल नहीं है, ठीक है. उसके बाद में बेसिकली यहाँ पे एक पॉलीमर का डेफिनेशन दे रखा है, तो वो अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो आपको याद रखना है कि पॉलीमर जो है बेसिकली इसमें आपको टोटल दो नाम दिख रहे हैं. पहला दिख रहा है पॉली, इस पॉली का मतलब ही होता है मैनी, और मर का मतलब ही क्या होता है, यूनिट होता है. तो अगर आप इसके नाम को देखते हो तो इसके नाम से ही आपको एक चीज समझ में जो आ रही है ना गाइस, वो ये आ रही है जैसे कि इसका नाम ही कह रहा है पॉलीमर, पॉली का मतलब ही होता है मैनी और मर का मतलब ही क्या होता है, यूनिट. मतलब ये जो बेसिकली कंपाउंड है इनका जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है वो तो बहुत ज्यादा होता ही है, इसी के साथ साथ इसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं. इसको अपन एक बार समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से, जरा ध्यान देना है यहाँ पे. सपोज ये एक छोटा सा यूनिट है, ये एक छोटा सा यूनिट है, ऐसे बहुत सारे छोटे 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 यूनिट को मैं संभालते जा रही हूँ. ये मोनोमर है, ये मोनोमर, ये मोनोमर, ये सारे मोनोमर है. जब मैं ये सारे के सारे मोनोमर को कंबाइन कर देती हूँ तो उससे मेरा क्या बनता है, पॉलीमर बनता है. मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जब बहुत सारे छोटे 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 मोनोमर को हम एक जगह पे कनेक्ट करते हैं तो उससे हमारा एक बड़ा सा यूनिट बनता है जिसका नाम क्या होता है, पॉलीमर होता है. अब आप लोग ही सोचो भाई, जब ये इतने सारे छोटे 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 यूनिट से बन रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर मास कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा. इसीलिए जो भी पॉलीमर होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है. चलिए आगे देखते हैं. उसके बाद में हम लोग जो देख रहे हैं ना वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, कि बेसिकली हम लोग पॉलीमर को कैसे क्या क्लासिफाई करते हैं. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम आप हमको क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ा रहे, क्लासिफिकेशन तो रिड्यूस हो चुका है. नहीं भाई, नहीं, क्लासिफिकेशन का चार्ट रिड्यूस हुआ है लेकिन क्लासिफिकेशन की थ्योरी रिड्यूस नहीं हुई. तो आगे चल के एक चार्ट आने वाला है, वो चार्ट रिड्यूस हुआ है लेकिन दैट डजंट मीन कि थ्योरी भी आपको नहीं पढ़ना है. थ्योरी यू हैव टू रीड डेफिनेटली गाइस, राइट. चलिए अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन को. तो अगर आपको पेपर में क्लासिफिकेशन आता है तो ऐसा नहीं कि पागल जैसे कुछ तो भी पगले जैसे लिख रहे, ऐसा नहीं करना. पहले आपको देखना है कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे पूछा है, क्योंकि क्लासिफिकेशन बेसिस के साथ साथ चेंज होते रहते हैं. तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन. मतलब सोर्स और ओरिजिन के हिसाब से पॉलीमर को कैसे क्या क्लासिफाई किया गया. ओरिजिन का मतलब ही वो ओरिजिनेट कहाँ से हुए. तो सबसे पहला टाइप है नेचुरल पॉलीमर. जैसे कि इसका नाम ही है नेचुरल, तो इससे एक आइडिया तो आपको मिल गई भाई, जैसे नाम वैसे काम. मतलब ही ये आपको कहाँ से मिला है, ये आपको नेचर से मिला है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, नेचुरल पॉलीमर. तो बस वही वाली चीज यहाँ पे लिखी है, द पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स. जो आपको नेचुरल सोर्स से मिला है, जो आपको नेचर से मिला है, उसको हम लोग नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. अब जो नेचुरल पॉलीमर है उसके टोटल दो टाइप है, पहला है आपका प्लांट पॉलीमर और सेकेंड है एनिमल पॉलीमर. तो याद रखना कि नेचुरल पॉलीमर के टोटल दो मेजर टाइप है, पहला है प्लांट पॉलीमर और सेकेंड है एनिमल पॉलीमर. याद रखना प्लांट पॉलीमर जो होते हैं वो ऐसे पॉलीमर होते हैं जो ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम प्लांट्स.
तो जो भी पॉलीमर्स आपको प्लांट से मिलते हैं उनको हम लोग प्लांट पॉलीमर बोलते हैं, जैसे नाम वैसे काम। जैसे कि आप सभी को पता है कि नेचुरल पॉलीमर है, मतलब ही जो आपका रबर है, रबर आपको झाड़ से मिलता है ना, तो बेसिकली वो प्लांट पॉलीमर ही हुआ। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बात बहुत अच्छे से पता है, कॉटन, कॉटन भी आपको प्लांट से मिलता है ना, इसलिए ये भी क्या हुआ, प्लांट पॉलीमर। बट अगर मैं वही बात करती हूँ एनिमल पॉलीमर की, तो जैसे कि इसका नाम ही है एनिमल, मतलब ये जो पॉलीमर है ये आपको कहाँ से मिले है, ये जो पॉलीमर है ये आपको एनिमल से मिले है, इसलिए ये पॉलीमर्स को आप लोग एनिमल पॉलीमर भी बोलते हो। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ सिल्क की, तो सिल्क आपको कहाँ से मिलता है, सिल्क आपको सिल्क वॉर्म से मिलता है ना, तो सिल्क वॉर्म एक एनिमल है और उससे आपको सिल्क एक पॉलीमर मिल रहा है, इसलिए ये हुआ एनिमल पॉलीमर। तो पहले हमने नेचुरल पॉलीमर देखा और उसके दो टाइप देखे, प्लांट्स और एनिमल पॉलीमर। नाउ वी आर लुकिंग इनटू सिंथेटिक पॉलीमर, कि बेसिकली सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है। चलिए डिस्कस करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर को। तो याद रखना कि सिंथेटिक, जैसे कि इसका नाम ही है सिंथेटिक, मतलब ही ये जो पॉलीमर है ये मैन मेड पॉलीमर है, तो ह्यूमन बींग ने ये वाले पॉलीमर को बनाया है, ह्यूमन बींग ने ये वाले पॉलीमर को सिंथेसाइज किया है, इसलिए हम लोग ये वाले पॉलीमर को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर, क्योंकि दिस पॉलीमर इज बींग सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बींग मैन, इसलिए इसका नाम है मैन मेड पॉलीमर्स। अब ये जो पॉलीमर है ये आपको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए हैं, ये पॉलीमर आप कैसे आर्टिफिशियली आपने बनाए हैं, ठीक है। चलिए इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जैसे कि आप लोग समझ लो नाइलॉन होता है, फाइबर्स होता है, रबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, पॉलीथिन बैग्स, तो भाई ये सब जो आप लोगों ने बनाए है ना, ये सब इंसानों ने बनाया है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। थर्ड टाइप है सेमी सिंथेटिक, मतलब ही आप लोग समझ जाओ इसमें दो वर्ड दिख रहे, सेमी और सिंथेटिक। सेमी का मतलब ही होता है हाफ, और सिंथेटिक का मतलब ही क्या होता है, सिंथेटिक मतलब इसमें आधा पार्ट जो है वो नेचुरल है। हम ये बोल सकते हैं कि ये 50% तो नेचुरल पॉलीमर से बना है और 50% ये सिंथेटिक पॉलीमर से बना है, क्योंकि इसका नाम ही है सेमी सिंथेटिक। सेमी का मतलब आधा आधा, आधा परसेंट नेचुरल है और आधा परसेंट सिंथेटिक है। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है सेलुलोज, एसिटेट रेयॉन, सेलुलोज नाइट्रेट, ये सब बढ़िया से एग्जाम्पल है सेमी सिंथेटिक के, ठीक है। इसमें 50% नेचुरल होता है, 50% इसको सिंथेसाइज करते हैं। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो पहला जो क्लासिफिकेशन वो हम लोगों ने देखा था वो था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन, और अब हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से बेसिकली क्लासिफिकेशन जो है टोटल तीन तरीके से किया गया। इसके पहले हमने सोर्स और ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था, और कौन से तीन टाइप में किया था, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। और अब हम लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से टोटल तीन टाइप है, पहला है लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर, सेकंड है ब्रांच चेन पॉलीमर, और थर्ड क्या है, थर्ड है आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर। चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए तो अब हम लोग देख रहे हैं लीनियर पॉलीमर पर। इफ आई टॉक अबाउट लीनियर पॉलीमर, तो बेसिकली इसका नाम ही है लीनियर, इसका मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो पॉलीमर है उसका अरेंजमेंट कैसा रहेगा, लीनियर अरेंजमेंट, जैसे कि इसका नाम ही है लीनियर पॉलीमर, समझ गए ना, जैसे नाम वैसे काम। अब नाम ही है लीनियर, इसका मतलब यहाँ पे जो मोनोमर का अरेंजमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, लीनियर फॉर्म में रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आपको अरेंजमेंट दिखेगा, इसलिए इसका नाम क्या, लीनियर। इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है पीवीसी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। व्हेन आई टॉक अबाउट ब्रांच चेन पॉलीथीन, तो ब्रांच चेन का मतलब देखो क्या होता है, आपने एक चेन ली, आपने सेकेंड चेन ली, आपने थर्ड चेन ली, जब पहली चेन को ब्रांचेस है, ठीक है, तो जब भी कोई चेंजेस चेन को आपको ब्रांचेस देखने को मिलती है, अगर आपको मोनोमर के चेन में ब्रांचेस देखने को मिलती है तो उससे जो भी पॉलीमर जनरेट होगा उसका नाम क्या रहेगा, ब्रांच चेन। तो लीनियर का मतलब ही क्या हुआ, अगर पॉलीमर का अरेंजमेंट लीनियर फॉर्म में है तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलीमर, अगर पॉलीमर का अरेंजमेंट ब्रांच फॉर्म में है तो उसको बोलेंगे ब्रांच चेन पॉलीमर, जैसे कि लो डेंसिटी पॉलीथीन। बट जब मैं बात करती हूँ क्रॉस लिंक पॉलीमर की, तो जैसे कि इसका नाम ही है क्रॉस लिंकिंग, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला पॉलीमर है वो दूसरे पॉलीमर से अटैच रहेगा, जो दूसरा पॉलीमर है वो तीसरे पॉलीमर से अटैच रहेगा, जो तीसरा पॉलीमर है वो पहले पॉलीमर से अटैच रहेगा, जो सेकेंड पॉलीमर है वो फोर्थ। तो आपको किस तरीके से यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग दिख रही है, इस तरीके से देखो कितनी सारी आपको क्रॉस लिंकिंग दिख रही है। तो अगर आपको पॉलीमर के अंदर में क्रॉस लिंकिंग अरेंजमेंट दिखता है तो ऐसे पॉलीमर को आप लोग क्या बोलते हो, क्रॉस लिंक पॉलीमर।
चलिए आगे देखते हैं। तो ये हुआ आपका लीनियर पॉलीमर, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा अरेंजमेंट लीनियर दिख रहा है। इसको आप लोग बोलेंगे ब्रांच पॉलीमर, और जो थर्ड टाइप है इसको आप लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि बेसिकली मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के हिसाब से कैसे कैसे पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से जो पहला टाइप है वो है एडिशन पॉलीमराइजेशन, सेकेंड है कंडेंसेशन, और थर्ड है रिंग ओपनिंग। ये पॉलीमराइजेशन को अभी हम लोग उतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। द रीजन बिहाइंड दिस इज बेसिकली कि ये जो पॉलीमर है ये सब अपन लोग आगे चल के पढ़ने वाले, तो इनके एग्जांपल्स को अभी डिस्कस नहीं भी किया तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ हम लोग इनके डेफिनेशन को देख लेते हैं। जैसे कि इसका नाम ही है एडिशन, मतलब ये जो पॉलीमर है ये कैसे फॉर्म होगा, बाय द एडिशन। जैसे नाम वैसे काम, जब आप एक मोनोमर का दूसरे मोनोमर के साथ, दूसरे मोनोमर का तीसरे मोनोमर के साथ, तीसरे मोनोमर का चौथे मोनोमर के साथ में एडिशन करवाते हो, तो ऐसे टाइप के पॉलीमराइजेशन को भी आप लोग क्या बोलते हो, एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद इसके टोटल तीन स्टेप्स होती है, ये आपको देखने की जरूरत नहीं, इसका कोई काम नहीं है। सेकेंड टाइप होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जैसे कि इसका नाम ही है कंडेंसेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एग्जाम्पल अभी हमको क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो रीजन ये है अभी ये एग्जाम्पल को मत पढ़ो, क्योंकि ये एग्जाम्पल बढ़िया तरीके से यहाँ पर मैकेनिज्म के साथ नहीं दिया है, लेकिन ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है तो आगे आने वाला है, इसलिए पहले इसको मत ही पढ़ो, बाद में पढ़ना। अभी सिर्फ डेफिनेशन देख लो। तो जैसे कि इसका नाम ही है कंडेंसेशन, मतलब ऐसे पॉलीमर जो फॉर्म होते हैं जब आप मोनोमर का एडिशन तो करवा ही रहे हो, और उसमें से अगर आप वाटर को रिमूव करवा रहे हो ड्यूरिंग एडिशन, तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और थर्ड टाइप जो आपका होता है वो होता है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। तो रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन का जैसे कि नाम ही है रिंग ओपनिंग, मतलब ये जो पॉलीमराइजेशन है इसमें जो आपकी रिंग होती है वो क्या होती है, वो ओपन होती है। ये एग्जांपल को भी अभी आप मत पढ़ो, क्योंकि आगे चल के आपको पढ़ना है। सिर्फ इतना समझ लो कि ये जैसे आपको एक रिंग दिख रही है, और ये जो रिंग है जब ये ओपन होंगी, मतलब जब ये रिंग खुल जाएंगी तो इस तरीके से हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले अपन लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन। तो उसमें था आपका नेचुरल पॉलीमर, जिसके दो टाइप थे, प्लांट और एनिमल पॉलीमर। सेकेंड था सिंथेटिक, और थर्ड था सेमी सिंथेटिक। उसके बाद में अपन लोगों ने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। तो लीनियर, ब्रांच चेन, और किसी के साथ साथ क्रॉस लिंकिंग। फिर अपन लोगों ने थर्ड टाइप डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। उसमें सबसे पहला टाइप था एडिशन, जब मोनोमर का एडिशन होता है तो उससे जो पॉलीमराइजेशन फॉर्म होगा उसको बोलेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। सेकेंड था कंडेंसेशन, जब मोनोमर का एडिशन तो हो रहा है लेकिन इसी के साथ साथ उसमें से वाटर रिमूव हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और थर्ड टाइप है रिंग ओपनिंग। रिंग ओपनिंग का मतलब ये हुआ कि अगर पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में रिंग ओपन होती है तो आप लोग उसको रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन बोलते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। तो बेसिकली ये इंटर मोलिकुलर फोर्सेस क्या है, जैसे कि इसका नाम ही है इंटर मोलिकुलर, इसका मतलब ये हुआ कि जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्सेस रहते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि नाम ही है इंटर मोलिकुलर। मतलब ये जो फोर्सेस है ये दो मॉलिक्यूल के बीच में है, और उस बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया। पहला है आपका इलास्टोमर। चलिए डिस्कस करते हैं इलास्टोमर का, कि बेसिकली इलास्टोमर क्या होता है। तो इलास्टोमर का मतलब ही समझ जाओ आप रबर। जैसे कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी दिख रहा है रबर का, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा, मुझे भी यहाँ पे रबर मिल गया है। जब आप रबर को स्ट्रेच करते हो तो हाँ भाई मैंने रबर को स्ट्रेच किया, जब मैंने इसको छोड़ दिया तो बराबर ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, फिर से मैंने इसको स्ट्रेच किया तो भाई ये तो स्ट्रेच हो गया। मतलब जब मैं इस रबर को फोर्स अप्लाई करती हूँ तो ये स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन जब मैंने इस फोर्स को रिलीज कर दिया ना तो रबर अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाता है। तो बेसिकली इलास्टोमर्स जो होते हैं वो रबर बैंड जैसे ही होते हैं, समझ गए ना। जब आप उनको स्ट्रेच करते हो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं, और जब आप उस फोर्स को रिलीज कर देते हो तो वो रबर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है फाइबर्स। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि ये आपके फाइबर्स का क्या है, डायग्राम है। तो आप सभी को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो फाइबर्स होता है, जैसे कि आप बोलते हो नायलॉन की रस्सी, तो वही तो है भाई,
ये नायलॉन की रस्सी ही तो है जिसपे आपकी मम्मी रोज कपड़े सुखाती है। मेरी मम्मी तो भाई रोज इसी पे कपड़े सुखाती है, ये जो नायलॉन की रस्सी होती है, क्योंकि ये काफी मजबूत होती है। तो फाइबर्स मतलब ही क्या होता है, नायलॉन की रस्सी होता है। तो जो भी पॉलीमेरिक सॉलिड है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो नायलॉन की रस्सी है भाई, ये लिक्विड में भी नहीं है, गैसेस में भी नहीं है, तो सॉलिड स्टेट में है। तो आप इसको क्या बोलते हो, पॉलीमेरिक सॉलिड, जो फॉर्म करते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को। मतलब ये जो पॉलीमर है ना, अगर आप लोग इस फाइबर को ध्यान से देखो तो आपको देखो ऐसा ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो जो भी पॉलीमेरिक सॉलिड है जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं, उसी को आप लोग क्या बोलते हो, फाइबर बोलते हो। फाइबर की खास बात यह होती है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और इसी के साथ साथ इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद में जो थर्ड टाइप है, जैसे कि अपन लोगों ने इलास्टोमर देखा, फाइबर देखा, और अब हम लोग देख रहे हैं थर्ड टाइप जिसका नाम है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अब इसका नाम थर्मोप्लास्टिक क्यों है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि आप उसको अलग अलग शेप दे सकते हो। मतलब कहना मुझे ये है, जैसे कि यहाँ पे दो नाम आ रहे, थर्मो और प्लास्टिक। थर्मो का मतलब ये हुआ हाई टेम्परेचर, मतलब ही हीट, और प्लास्टिक का मतलब ही होता है प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी। तो दो टाइप की चीजें हैं। जब आपने सपोज अगर आप इस बॉटल को देखते हो, और जब आपने इस बॉटल को हाई टेम्परेचर पे लेके गए, तो ये बॉटल मेल्ट हो जाएगी, बॉटल मेल्ट हो जाएगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने टेम्परेचर को हाई किया तो आपकी जो बॉटल है वो मेल्ट हो जाएगी, बट कुछ समय के बाद जब आप टेम्परेचर को कूल कर देंगे तो बॉटल वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप बॉटल को, जो प्लास्टिक की बॉटल होती है, अगर आपने उसको गर्म किया तो वो मेल्ट हो जाती है, आपने उसको अगर ठंडा किया तो वापस वो कूल हो जाएगी, वापस गर्म किया वापस मेल्ट होंगी, वापस ठंडा किया वापस कूल होंगी। मतलब ये जो बॉटल है इसको आप बार बार रिपीटेड तरीके से हीटिंग कर सकते हो। जितने बार हीटिंग करेंगे ये उतने बार माउल्ड होते जाएंगी, उतने बार मेल्ट होते जाएंगी, और कूलिंग करने पर वापस कड़क हो जाएंगी। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनिल। बट जब मैं बात करती हूँ फोर्थ टाइप की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, फोर्थ टाइप है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर मतलब ऐसे पॉलीमर, जब आपने उनको एक बार हीट कर दिया ना, एक बार अगर आपने उसको हीट कर दिया, उसके बाद में वो कभी भी मेल्ट नहीं होते, याद रखना। एक बार अगर वो सेट हो गए, क्योंकि नाम ही है थर्मोसेटिंग, मतलब अगर एक बार ये पॉलीमर सेट हो गए ना, तो वो मेरी क्या, आपकी क्या, किसी की भी नहीं सुनते, टेम्परेचर की भी नहीं सुनते। तो एक बार वो सेट हो गए तो भाई फिर कितना भी टेम्परेचर तुम लगाओ वो कभी नरम नहीं होंगे, समझे या नहीं समझे, कभी मेल्ट नहीं होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन, समझे या नहीं समझे भाई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मोनोमर, कि अलग अलग मोनोमर के हिसाब से आप पॉलीमर को कैसे क्लासिफाई करेंगे। इसका भी डेफिनेशन एक दोबारा है, जैसे कि इसका पहला क्लासिफिकेशन है होमोपॉलीमर और सेकेंड है कोपॉलीमर। चलिए डिस्कस करते हैं होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर को। जैसे कि इसका नाम ही है होमो, होमो का मतलब ही क्या होता है, होमो का मतलब ही होता है भाई एक जैसा। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर पॉलीमर में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का रिपीटिंग यूनिट है, ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट, तो ऐसे पॉलीमर को आप लोग होमो पॉलीमर बोलते हो। सेकेंड थिंग, अगर पॉलीमर में एक से ज्यादा टाइप के रिपीटिंग यूनिट है, तो ऐसे पॉलीमर को आप लोग क्या बोलते हो, कोपॉलीमर। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जब आप पॉलीमर को क्लासिफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मोनोमर, तो पहला था होमो पॉलीमर। होमो का मतलब ही होता है एक जैसा, मतलब ये जो पॉलीमर है इसमें एक ही टाइप का रिपीटिंग यूनिट रहेगा। बट व्हेन आई टॉक अबाउट कोपॉलीमर, इसमें एक से ज्यादा टाइप के रिपीटिंग यूनिट रहते हैं। उसके बाद में ये चार्ट कैंसिल हुआ है, लेकिन क्लासिफिकेशन की थ्योरी पूरी पढ़ना है। अब हम लोग देख रहे हैं भाई अपने नेक्स्ट थिंग को। अब ये जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ये है ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। बायोडिग्रेडेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि बायोलॉजिकल कंडीशन में क्या वो डिग्रेड होगा या नहीं होगा। तो उसके टोटल दो टाइप होते हैं, पहला होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, और सेकेंड जो होता है वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जैसे कि इसका नाम ही है बायोडिग्रेडेबल, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेचुरली कंडीशन है, एनवायरमेंट की जो कंडीशन है, उसमें डिग्रेड हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, बायोडिग्रेडेबल। मतलब ऐसे पॉलीमर जब आप उनको एनवायरमेंट में रखते हो तो वो डिग्रेड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल।
बट अगर मैं बात करती हूँ नॉन बायोडिग्रेडेबल की, तो जैसे कि इसका नाम में ही आ रहा है नॉन, इसका मतलब ये जो पॉलीमर है आप इसको डिग्रेड नहीं कर सकते, नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में हम लोग बेसिकली फोकस कर रहे हैं रबर पर। तो रबर जो होता है, याद रखना, उसको हम लोग इलास्टोमर्स बोलते हैं। याद रखना है आप सभी को कि रबर मतलब इलास्टोमर होता है। तो नेचुरल रबर जो होता है, मतलब ही बेसिकली जो इलास्टोमर होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, और ये होता है उसका स्ट्रक्चर। तो अगर मैं बोलूं नेचुरल रबर का मोनोमर का नाम क्या होता है, तो याद रखना कि नेचुरल रबर के मोनोमर का नाम आइसोप्रीन होता है, और आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर ऐसे आपको नहीं आएगा, आपको उसका ओरिजिनल नेम भी पता होना चाहिए, 2-methyl-1,3-butadiene। हम लोग नंबरिंग देते हैं 1, 2, 3, 4। तो आप लोगों ने ये देखा कि आपको सेकेंड नंबर पे मिथिल दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2-methyl, और फर्स्ट नंबर पे और थर्ड नंबर पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा 1,3-butadiene। तो सेकेंड पोजिशन पे मिथिल है इसलिए 2-methyl, फर्स्ट और थर्ड पोजिशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए 1,3, टोटल 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटा, और डबल बॉन्ड 2 बार है इसलिए डाइन, 2-methyl-1,3-butadiene। अब देखो ये फॉर्म कैसे होता है, करना कुछ भी नहीं है, आप आइसोप्रीन को लेंगे, आइसोप्रीन का मतलब ही आप किसको लेंगे, आप लेंगे 2-methyl-1,3-butadiene को। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आपने सबसे पहले आइसोप्रीन को लिया, जिसको आप 2-methyl-1,3-butadiene भी बोलते हो, ठीक है। जब आप इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो इससे क्या फॉर्म होगा, पॉलीआइसोप्रीन, क्योंकि आपने पॉलीमराइजेशन करवाया, इसका मतलब अब उसके बहुत सारे यूनिट आ जाएंगे, इसलिए आपको नीचे में क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है। सेकेंड पॉइंट ये है, पहले ये आइसोप्रीन था, बट जब आपने इसका पॉलीमराइजेशन करवाया तो अब इसके नाम के सामने में क्या आ गया, पॉलीआइसोप्रीन। समझे या नहीं समझे। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं बेसिकली कि वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है। तो याद रखना, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप क्रॉस लिंक नेटवर्क को इंट्रोड्यूस करते हो इनटू एन इलास्टोमर। जैसे कि आप लोगों ने एक चीज देखा होगा गाइस, और वो चीज ये होती है कि पहले जो रबर होते थे ना वो टूट जाते थे, रबर को थोड़ा सा भी ऐसा किया तो रबर टूट जाते थे, बट आजकल के जो रबर है आप अगर उसको कितना भी तोड़ने की कोशिश करो तो वो टूटते नहीं है। रीजन ये है कि रबर में हल्की फुल्की चेन्स हुआ करती थी, अगर सिर्फ एक चेन प्रेजेंट है तो रबर को हाथ ऐसा करने से भी रबर टूट जाता था, बट अभी क्या हो गया ना, रबर में अपन लोगों ने बीच में क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस कर दिया, ये है क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर। और जब आप रबर में क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करवा देते हो तो अब भाई रबर तो टूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो रबर है ना ये काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है, काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, इसलिए अब ये रबर तो बेसिकली ब्रेक नहीं होने वाला है। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करवा देते हो रबर के अंदर में In order to make it strong, so basically that process is called as vulcanization. Here there is a sulfur vulcanization. अब इसको sulfur vulcanization क्यों बोलते हैं, that we will see now. तो reason behind that कि इसको sulfur vulcanization ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बीच में जो cross linking network introduce किया है ना, वो basically sulfur का किया है, इसलिए इस type के vulcanization को हम लोग क्या बोलते हैं, sulfur vulcanization. तो आपने यहाँ पे जो भी क्रॉस लिंकिंग इंट्रोड्यूस की है ना, वो की है ऑफ सल्फर एटम। समझे या नहीं समझे, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं पॉलीथीन को। पॉलीथीन को ही आप लोग पॉलीइथीन भी बोलते हो, इथिलीन भी बोलते हो, और इसी के साथ साथ आप इसको पॉलीथीन पॉलीइथीन भी बोलते हो। रीजन ये है, यही आपकी वो चीज है जो आप पॉलीथीन बैग रेगुलरली कैरी करते हो, वो पॉलीथीन बैग ही ये पॉलीथीन। तो अब बेसिकली पॉलीथीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि पॉलीथीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें दो आपको दो कार्बन दिखते हैं। रीजन ये है क्योंकि नाम में ही आ रहा है पॉली, इसका मतलब नीचे में मैंने क्या लगाया, एन, क्योंकि ये पॉलीमर है तो पॉली आ रहा है तो नीचे में एन आएगा। इसी के साथ साथ आपको इथीन दिख रहा है, इथीन का मतलब ही कितना होता है, दो कार्बन वाला अल्कीन, इसलिए मैंने दो कार्बन वाले अल्कीन का पॉलीमराइजेशन करवा के बताया। तो पॉली है करके नीचे में एन आया, इथीन है इसलिए दो कार्बन वाला अल्कीन। उसके बाद में पॉलीथीन के टोटल दो टाइप होते हैं, पहला होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन और सेकंड क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पॉलीथीन के दो टाइप होते हैं, एक तो अपनी पॉलीथीन बैग होती है जिसमें हम लोग सब्जियां हमारे बुक्स वगैरह रखते हैं, और दूसरी होते हैं आपके गैजेट्स जैसे कि डस्टबिन, वो भी तो पॉलीथीन की बनी है, प्लास्टिक की बनी है। जैसे कि आपके घर में जो जितने भी छोटे बच्चों के जो भी खिलौने होते हैं, टॉयज होते हैं,
वो भी तो प्लास्टिक का ही बना है, तो प्लास्टिक से ही तो सारी चीजें बनी। लेकिन फर्क ये है कि कुछ प्लास्टिक लो डेंसिटी के होते हैं और कुछ प्लास्टिक हाई डेंसिटी के होते हैं। जब मैं बात करती हूँ लो डेंसिटी पॉलीथिन की, जैसे कि इसका नाम ही है लो डेंसिटी, मतलब इनकी डेंसिटी कैसे रहेंगी, लो रहेंगी। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे इथीन को लिया, इथीन का आपने क्या करवाया, पॉलीमराइजेशन करवाया। याद रखना, इथीन का आपने बेसिकली पॉलीमराइजेशन करवाया, और जब आपने इथीन का पॉलीमराइजेशन करवाया तो इससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो रहता है ये वाला। इसी स्ट्रक्चर को आप पॉलीथीन भी बोलते हो, लेकिन ये जो पॉलीथीन है ये लो डेंसिटी पॉलीथीन है। तो आपने यहाँ पे क्या क्या पॉइंट ऑब्जर्व किए कि आपने इथीन को लिया और इथीन से क्या बनाया, पॉलीथीन। इसको पॉलीथीन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने इथीन का पॉलीमराइजेशन करवाया, इसलिए उसको बोलते हैं पॉलीथीन। सेकेंड पॉइंट ये है, यहाँ पे आपको जितने भी कंडीशन दे रखी है लो डेंसिटी पॉलीथीन के फॉर्मेशन के लिए वो अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज को। तो प्रॉपर्टीज ये है कि बेसिकली ये पॉलीमर काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे कि समझ लो आपकी पॉलीथीन बैग है ना, आपका पाइप, घर का जो पाइप होता है जिससे आप पानी भरते हो, वो काफी टफ तो होते ही है, रेजिस्टेंट तो होते ही है, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और उनका मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगर मैं बात करती हूँ लो डेंसिटी पॉलीथीन के यूजेस की, तो पाइप्स बनाने के लिए, वाटर बॉटल बनाने के लिए, केबल बनाने के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद में हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जो कि आपके पॉलीथीन का सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। तो अब बेसिकली यहाँ पे भी वही चीज होने वाली है, जैसे कि नाम ही है हाई डेंसिटी, लेकिन है तो पॉलीथीन ही। इसका मतलब यहाँ पे भी आप इथीन को ही रहने वाले हो, और उससे आप लोग क्या बनाने वाले हो, इससे आप लोग जो भी पॉलीमर बनाएंगे वो आपकी काफी हाई डेंसिटी का होगा। यहाँ पे आपको कंडीशन तो याद रखनी ही रखनी है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का भी स्ट्रक्चर सेम वैसा ही रहेगा जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन का स्ट्रक्चर था, कुछ भी फर्क नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है ये एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, और उस कैटलिस्ट का नाम क्या होता है, ज़ेग्लर नाटा कैटलिस्ट। तो याद रखना कि जो भी इथीन है उससे आप दो टाइप के पॉलीथीन बना सकते हो। जाहिर सी बात है कि इथीन का अगर पॉलीमराइजेशन करवाए तो पॉलीथीन तो बनने ही वाला है, बट उसमें भी टोटल दो टाइप है, पहला है लो डेंसिटी पॉलीथीन और सेकेंड है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। दोनों के फॉर्मेशन की कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब ही अगर आपने कंडीशन को चेंज किया तो पॉलीथीन का नेचर भी चेंज होगा, उसकी डेंसिटी भी वेरी करेंगी। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में आपने जो कैटलिस्ट यूज किया उसका नाम क्या है, ज़ेग्लर नाटा कैटलिस्ट। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये छोटे बच्चे के खिलौने हैं, टॉयज, डस्टबिन, ये सब आपने देखा होगा, ये भी पॉलीथीन ही है और पॉलीथीन बैग ही पॉलीथीन, बट फर्क डेंसिटी का आ जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं टेफ्लॉन को। याद रखना कि टेफ्लॉन का एक और नाम होता है जिसको बोला जाता है पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन। तो आपको ये चीज दिमाग में बहुत अच्छे से फिट कर लेनी है कि टेफ्लॉन का एक और नाम जो होता है वो होता है पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन। जैसे कि ये एक पॉलीमर है इसलिए यहाँ पे पॉली नाम है, टेट्रा का मतलब ही चार होता है, फ्लोरो का मतलब फ्लोरीन एटम होते हैं, और अल्कीन इथीन का मतलब ही होता है कि इसमें दो कार्बन वाला अल्कीन है। तो आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि पॉली का मतलब पॉलीमर होता है, टेट्रा का मतलब चार होता है, फ्लोरो का मतलब चार फ्लोरीन होते हैं, और इथीन का मतलब दो कार्बन वाला अल्कीन होता है। तो बस वही वाली चीज है, आपने पहले क्या लिया, टेट्रा फ्लोरोइथीन, और जब आपने इसका पॉलीमराइजेशन करवाया, तो जब आपने टेट्रा फ्लोरोइथीन का पॉलीमराइजेशन करवाया तो जो भी चीज फॉर्म हुई उसको आप लोग क्या बोलते हो, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन। तो करना कुछ भी नहीं है, बस क्या करना है, टेट्रा फ्लोरोइथीन का पॉलीमराइजेशन करवाया तो उसके नाम के सामने पॉली वर्ड लगा दो और पॉलीमर का नाम लिख दो पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन, और उसी को एक और नाम क्या है, टेफ्लॉन है। अब आपको क्या याद रखना है कि F जो है यहाँ पे उसी से आपको समझ जाना है कि ये कंपाउंड में फ्लोरो ग्रुप फ्लोरीन आने वाला है, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखते हैं। बेसिकली टेफ्लॉन की जो कोटिंग होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी आपके घर में नॉनस्टिक कुकवेयर है, नॉनस्टिक जैसे डोसे बनाने की चीज, उत्तपम बनाने का चीज, अप्पे बनाने की चीजें, तो जो भी नॉनस्टिक चीजें होती है बेसिकली उसमें टेफ्लॉन की ही कोटिंग की जाती है, ऑयल सील्स में, गैसकेट्स में, ठीक है। उसके बाद में है पॉलीएक्रिलोनाइट्रेट। याद रखना पॉलीएक्रिलोनाइट्रेट का एक और नाम होता है ओरलॉन। पेपर में दो तीन बार क्वेश्चन जो आया ना,
अब वो पॉलीएक्रिलोनाइट्रल से नहीं आया, उन्होंने पूछा एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ ओरलॉन्ग। तो आप ही बताओ भाई, अगर आपको ये नहीं पता कि पॉलीएक्रिलोनाइट्रल का एक और नाम ओरलॉन्ग होता है, तो क्या आप लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये वाले कंपाउंड को लेंगे, जब आप इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, तो पहले तो ये था एक्रिलोनाइट्राइल। नाइट्राइल मतलब वो कंपाउंड जिसमें CN ग्रुप आता है, जिसमें CN ग्रुप आता है वो कंपाउंड को आप लोग नाइट्राइल बोलते हो, इसीलिए मैंने इसको नाइट्राइल बोला, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब आपने एक्रिलोनाइट्राइल का पॉलीमराइजेशन करवाया, पॉलीमराइजेशन, तो अब उससे आपका क्या फॉर्म हुआ? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, समझ गए ना? तो नाम के सामने पॉली वर्ड लगा लेना, इसी को आप लोग ओरलॉन भी बोलते हो, याद रखना। तो करना कुछ भी नहीं है, इसको एज इट इज लिखेंगे और बाजू में क्या लगा देंगे, एंड टाइम्स। उसके बाद में अपन लोग देख रहे हैं पॉलीअमाइड पॉलीमर को। पॉलीअमाइड का मतलब ये होता है जब कोई ग्रुप में, जब कोई कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड NH ग्रुप आ जाता है, तो उसको हम लोग अमाइड बोलते हैं, है ना? और पॉलीअमाइड में बेसिकली टोटल दो मेजर टाइप्स होते हैं, पहला होता है नाइलॉन 6-6 और सेकंड होता है नाइलॉन 6। ऐसे टोटल दो टाइप है, ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नाइलॉन 6-6 को। इसके लिए सबसे पहले लेंगे आप एडिपिक एसिड, और एडिपिक एसिड के अंदर में आप लोग जो डालेंगे वो रहेगा हेक्सामिथिलीन डायमीन, ठीक है? तो एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जैसे कि इसके नाम में आ रहा है एसिड, मतलब जाहिर सी बात है कि COOH ग्रुप तो रहेंगे, इसी के साथ साथ हेक्सामिथिलीन डायमीन, हेक्सामिथिलीन, जरा ध्यान से सुनना, हेक्सा का मतलब कितना होता है, 6, मिथिलीन का मतलब क्या होता है, CH2 ग्रुप, डायमीन का मतलब ही क्या होता है, 2NH2 ग्रुप। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, हेक्सामिथिलीन डायमीन, ठीक है? जब आपने ये दोनों पॉलीमर्स को लिया, तो आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये स्टेप नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट यही स्टेप लिखो, करना कुछ भी नहीं है। यहाँ से आप लोग निकालेंगे OH और यहाँ से आप लोग निकालेंगे H, मतलब यहाँ से आप किसको बाहर करने वाले, वाटर को बाहर करेंगे, और बाहर में आपको N लगाना है क्योंकि ये पॉलीमर है। तो पहला पॉइंट ये है कि जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ नाइलॉन 6-6 की, तो फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि आप एडिपिक एसिड को लेते हो और उसमें डालते हो हेक्सामिथिलीन डायमीन, करना कुछ भी नहीं है, आप यहाँ से वाटर को, यहाँ से OH को और यहाँ से H को बाहर निकाल दो। तो जब आप किसी भी पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में वाटर को बाहर निकालते हैं, तो उस टाइप के पॉलीमराइजेशन को आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हो। जब यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकलेगा, तो जाहिर सी बात है ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे, तो भाई हो गए ज्वाइन, और इससे क्या फॉर्म हुआ, नाइलॉन 6-6। अब इसको नाइलॉन 6-6 ही क्यों बोला जाता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो रीज़न जो है यहाँ पे सबसे बड़ा वो ये है, इसको नाइलॉन 6-6 इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो टोटल आपको देखो कितने कार्बन दिख रहे हैं, ये हो गए 1, ये हो गए 4 और ये हो गए 1, मतलब टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, 6 कार्बन। और अगर मैं राइट साइड की बात करती हूँ तो राइट साइड में भी आपको 6 ही कार्बन दिख रहे हैं, मतलब जो पहला रिएक्टेंट आपने लिया एडिपिक एसिड उसमें भी 6 ही कार्बन है, जो सेकेंड रिएक्टेंट आपने लिया हेक्सामिथिलीन डायमीन उसमें भी टोटल 6 ही कार्बन है, है ना? इसका मतलब 6 और 6, इसलिए नाइलॉन के नाम में भी क्या आ रहा है, 6-6, समझ गए ना? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं सेकेंड टाइप का पॉलीअमाइड पॉलीमर, जिसको बोला जाता है नाइलॉन 6, है ना? अब जैसे कि इसका नाम ही है नाइलॉन 6, है ना, इसका मतलब आपको एक आइडिया तो मिल गया कि 6 एक ही बार आ रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट भी यहाँ पे एक ही होगा। जैसे कि नाइलॉन 6-6 में 2 बार 6 आ रहे थे, इसका मतलब आपने 2 रिएक्टेंट लिया था, इसमें भी 6 कार्बन थे, इसमें भी 6 कार्बन। बट वेन आई टॉक अबाउट नाइलॉन 6, बेसिकली हियर द नेम मेंशन इज नाइलॉन 6, 6 इज रिटन ओनली 1 टाइम, इट मींस कि देयर इज ओनली 1 रिएक्टेंट इन व्हिच इज इन्वॉल्वड इन दिस रिएक्शन, राइट? तो बेसिकली व्हाट यू आर टेकिंग हियर इज ईटा कैप्रोलैक्टम, आपने यहाँ पे ईटा कैप्रोलैक्टम को दिया है, ठीक है? और इस ईटा कैप्रोलैक्टम में भी आपने वही काम किया, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करना है, मतलब आपको ये वाले रिंग को इस तरीके से ओपन करना है। तो इस टाइप के पॉलीमराइजेशन को आप लोग क्या बोलते हो, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, क्योंकि ये जो पॉलीमराइजेशन है बेसिकली इसमें आप लोग रिंग को ओपन कर रहे हो, इसलिए इस टाइप के पॉलीमराइजेशन को आप लोग क्या बोलते हो, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे आपकी रिंग ओपन हो रही है, और रिंग जो ओपन हो रही है वो ये बॉन्ड को जब आप तोड़ते हो तो आपकी रिंग ओपन हो जाती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप का पॉलीमर है गाइस, उसका नाम होता है पॉलीईस्टर।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि बेसिकली ये पॉलीस्टर क्या चीज है। तो याद रखना कि जैसे कि इसका नाम ही है पॉलीस्टर, अब पॉलीस्टर के बहुत सारे अलग अलग नाम है। पहला नाम पॉलीस्टर है, सेकेंड नाम टेरिलीन है, थर्ड नाम डेक्रॉन है, और फोर्थ एक और नाम है इसका पॉली इथिलीन टर्टालेट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पॉली इथिलीन टर्टालेट। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा भाई कि बेसिकली पॉलीस्टर के बहुत सारे नाम है। पहला है पॉलीस्टर, सेकेंड है टेरिलीन, थर्ड है डेक्रॉन, और फोर्थ है पॉली इथिलीन टर्टालेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके लिए क्या करना है। इसके लिए आपको जो लेना है वो लेना है इथिलीन ग्लाइकोल। इसको इथिलीन ग्लाइकोल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको इथीन तो ग्रुप दिख रहा है, इसी के साथ साथ दो OH ग्रुप दिख रहे हैं जिसको आप लोग ग्लाइकोल भी बोलते हो। इसके अंदर में आप लोग जो डाल रहे हो वो है टेरिथैलिक एसिड। तो बेसिकली ये थैलिक एसिड तो है ही, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पैरा पोजिशन पे है जिसको हम लोग टेरिथैलिक एसिड बोलते हैं। इसमें जो कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो उसका नाम है जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का आपको नाम बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो भी कैटलिस्ट आप पॉलीस्टर के मतलब ही टेरिलीन के मतलब ही डेक्रॉन के और पॉलीइथिलीन टर्टालेट के प्रिपरेशन में यूज करते हो उसमें टोटल दो टाइप के मोनोमर इन्वॉल्व है। पहला है इथिलीन ग्लाइकोल और सेकेंड है टेरिथैलिक एसिड, है ना। और जो कैटलिस्ट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो वो बेसिकली कौन सा है, जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे बेसिकली हो कैसे रहा है उसको देख लेते हैं एक बार। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कुछ नहीं कर रहा है, बस यहाँ से निकालना है OH को। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से निकालना है आपको H को और यहाँ से निकालना है आपको OH को। तो इस तरीके से यहाँ से आप किसको बाहर कर रहे हो, वाटर को बाहर कर रहे हो। यहाँ से आपने H को रिमूव किया है ना, और यहाँ से आपने OH को रिमूव किया तो आपने वाटर को बाहर किया। तो इस टाइप के पॉलीमराइजेशन को भी आप लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्योंकि ये जो पॉलीमराइजेशन है इसमें आप लोग वाटर को बाहर कर रहे हो इसलिए इसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोला जाता है। उसके बाद में जो बैकेलाइट है वो रिड्यूस हो गया है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेलामिन पॉलीमर भी रिड्यूस हो गया, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी रिड्यूस हो चुका है। SBR आपको पढ़ना है। तो SBR का एक और नाम देखो क्या होता है, इसको बोला जाता है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो याद रखना कि पेपर में दो तीन बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो SBR को ही आप लोग ब्यूना SB बोलते हो और उसी को आप लोग स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर भी बोलते हो। तो जैसे इसका नाम ही है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, इसका मतलब आप इसमें जो पहला रिएक्टेंट रहेंगे वो रहेगा आपका स्टाइरीन, और जो सेकेंड रिएक्टेंट आप लोग इसमें लेंगे वो रहेगा ब्यूटाडाइन। तो याद रखना जैसे कि नाम ही है SBR मतलब ही स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, समझ गए ना। तो एक रहेगा स्टाइरीन और सेकेंड रहेगा आपका ब्यूटाडाइन, ऐसे टोटल दो रिएक्टेंट है। दो तीन बार तो पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि आप बताइए बेसिकली ये कौन से रिएक्टेंट यूज होते हैं स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर के प्रिपरेशन में। अब जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करते हो तो ब्यूटाडाइन आपने 75% लिया है ना, आप लोगों ने इस रिएक्शन के अंदर में ब्यूटाडाइन जो था वो 75% लिया, इसी के साथ साथ आपने जो भी स्टाइरीन दिया वो 25% लिया। अब 75% का मतलब ही होता है 3 और 25% का मतलब ही होता है 1, मतलब इनका जो रेशो है वो कैसे फॉर्म में है, 3:1 के फॉर्म में है। क्योंकि ब्यूटाडाइन आपने 75% लिया और स्टाइरीन आपने 25% लिया, इसका मतलब 75 मतलब 3 और 25 मतलब 1, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, इसलिए इसका रेशो क्या हुआ 3:1 है ना। तो अब आपको देखो जब प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ब्यूटाडाइन को, उसको अटैच करेंगे ब्यूटाडाइन से, उसको अटैच करेंगे स्टाइरीन से, उसको अटैच करेंगे ब्यूटाडाइन से, और ऐसे ये वाला जो रबर बनेगा इसका नाम होता है ब्यूना S, इसी को आप लोग SBR भी बोलते हो और इसी को आप लोग स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर भी बोलते हो, समझ गए ना। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ब्यूटाडाइन तीन बार क्यों लिया और स्टाइरीन एक बार क्यों लिया, क्योंकि रेशो कैसा है, ब्यूटाडाइन 3 times इसलिए ब्यूटाडाइन 3 times आया और स्टाइरीन 1 time है इसलिए स्टाइरीन 1 time आया, बट स्टाइरीन को बीच में लगाना है।
अगर बीच में नहीं लगाएंगे भाई तो पॉलीमर भी कैसे फॉर्म होगा, समझ गए ना। उसके बाद में अपन लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लोरोप्रीन का प्रिपरेशन, है ना, कि बेसिकली नियोप्रीन कैसे क्या प्रिपेयर होता है। तो करना कुछ भी नहीं है, आप लोग क्लोरोप्रीन को लेंगे और क्लोरोप्रीन का जब आप पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, पॉलीमराइजेशन में आपको एक ही काम करना होता है, डबल बॉन्ड को आप लोग कन्वर्ट करते हो सिंगल बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड को आप लोग कन्वर्ट करते हो डबल बॉन्ड में। तो बस एक ही काम करना है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे और सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले आपने क्लोरोप्रीन को लिया, जब आपने इस क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करवाया तो उससे क्या फॉर्म होगा, नियोप्रीन। तो जहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था अब वहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, जहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था अब वहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और जहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था अब वहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया। तो सिंगल को डबल, डबल को सिंगल कन्वर्ट करेंगे और क्लोरोप्रीन का जब पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो उससे क्या फॉर्म होगा, नियोप्रीन। जब आप क्लोरोप्रीन मतलब ही नियोप्रीन वाले पॉलीमराइजेशन का वुल्केनाइजेशन करवाएंगे, वुल्केनाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि जब आप उसके अंदर में क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, करना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस यहाँ से आपका बाहर देखो क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है आपका MgCl और यहाँ से भी आपका Cl। तो बेसिकली क्या क्या बाहर निकल रहा है, Mg और Cl2, इस तरीके से यहाँ से MgCl2 बाहर निकला। यहाँ पे भी जरा ध्यान देना, यहाँ पे आपको दिख रहा है Mg, यहाँ पे आपको दिख रहा है Cl और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है Cl, तो यहाँ से भी आपका MgCl2 क्या निकला, बाहर निकला। तो जो पहले वाली लाइन थी, बीच में आएगा ऑक्सीजन एटम और फिर ये सेकेंड वाली लाइन। तो पहले लाइन को लिखा, बीच में ऑक्सीजन एटम आया, फिर सेकेंड लाइन को लिखा, यहाँ पे भी आपको वैसा ही करने का है और आप बाहर क्या रिमूव करेंगे, MgCl2। उसके बाद में यहाँ पे इसके कुछ यूजेस दे रखे हैं कि ब्यूना एस रबर के क्या क्या यूजेज हैं। तो ब्यूना एस रबर में जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत अच्छा रबर है, तो इसको हम लोग टायर के कॉर्ड बनाने के लिए भी यूज करते हैं और इसको हम लोग शू बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो भी विस्कस रेयॉन है ये आपको नहीं करना है, क्योंकि विस्कस रेयॉन वाला जो पार्ट है ये डिलीट हो गया है, राइट। विस्कस रेयॉन का फॉर्मेशन भी नहीं करना है, ये भी डिलीट हो गया है। उसके बाद में जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, बेसिकली डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं, उसका कोई भी काम नहीं है। उसके बाद में अपन लोग देख रहे हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जैसे कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि ऐसे पॉलीमर जो एनवायरमेंट में डिग्रेड हो जाते हैं उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोलते हैं, है ना। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है भाई, वो देखो कौन सा है, वो है PHBV। PHBV इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे देखो आप लोग क्या क्या लेते हो, आप लोग यहाँ पे लेते हो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड और उसके अंदर में डालते हो बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। तो एक आपने लिया ब्यूटेरिक एसिड और दूसरा आपने लिया वैलेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड में जैसे कि इसका नाम ही है ब्यूटेरिक, मतलब ये जो एसिड है इसमें टोटल 4 कार्बन दिखेंगे, और जैसे कि इसका नाम ही है वैलेरिक, इसका मतलब ये जो वैलेरिक एसिड आपको दिख रहा है उसमें आपको टोटल 5 कार्बन दिखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है बीटा हाइड्रोक्सी, इसका मतलब बीटा पोजिशन पर OH ग्रुप अटैच है, इसलिए आपने उसको क्या बोला, बीटा हाइड्रोक्सी। यहाँ पे भी आपके बीटा पोजिशन पे ही OH ग्रुप अटैच है, इसलिए आपने इसको भी क्या बोला, बीटा हाइड्रोक्सी। याद रखना है कि जब भी मैं बात करती हूँ बेसिकली COOH ग्रुप की, तो मैंने एक COOH ग्रुप लगाया, तो COOH ग्रुप के जो भी बाजू वाला कार्बन होता है उसको अल्फा बोलते हैं, और अल्फा कार्बन के बाजू में जो कार्बन आता है उसको हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं। तो इससे भी कुछ ग्रुप्स अटैच रहेंगे और इससे भी कुछ ग्रुप अटैच रहेंगे, राइट। तो बस अब देखो अभी आपको क्या करना है। तो आपको मैंने अभी कुछ पॉइंट्स बताए कि ब्यूटेरिक एसिड में टोटल 4 कार्बन रहेंगे, वैलेरिक एसिड में टोटल 5 कार्बन रहेंगे, और बीटा पोजिशन में क्या होता है, COOH ग्रुप के बाजू वाला कार्बन अल्फा होता है और उसके बाजू वाला कार्बन बीटा होता है। करना कुछ भी नहीं है, यहाँ से आपको जस्ट वाटर को बाहर निकालना है, एक जगह से निकालेंगे H और दूसरे जगह से निकालेंगे OH, ठीक है, मतलब वाटर को बाहर करना है। और जो पॉलीमराइजेशन में आप वाटर को बाहर करते हो उसी टाइप के पॉलीमराइजेशन का नाम क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो PHBV जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को पॉलीहाइड्रोक्सी वैलेरेट, वो भी एग्जाम्पल है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का, एंड विथ दैट नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारी की सारी चीजें डिस्कस की।
अब यहाँ पे कुछ यूजेस दे रखे हैं, यूजेस भाई अच्छे से करके जाओ, पेपर में हर साल यूजेस से क्वेश्चन आता है, तो ये मोनोमर पढ़ने का जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ से नहीं आता है, ये पॉलीमर का स्ट्रक्चर भी पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ ट्रेड नेम और उसके एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो जो एक्रेलिक ग्लास है, ये मतलब ये जो पर्स पैक है उसको लेंस बनाने के लिए पेंट में, एलसीडी की स्क्रीन में, रेजिस्टेंस ग्लासेस में भी यूज किया जाता है। म्यूना एन को हम लोग यूज करते हैं एडेसिव में, मतलब चिपकाने के लिए, रबर बेल्ट में, ओ रिंग्स में, है ना, सर्कुलर रिंग्स में, शू सोल्स में और गास्केट बनाने के लिए। पॉलीविनिल क्लोराइड को आप लोग पाइप बनाने के लिए, आपके घर में जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं वो पॉलीविनिल क्लोराइड से बनते हैं, आपका रेनकोट भी पॉलीविनिल क्लोराइड से ही बनता है, और फ्लोर्स जो होते हैं, फ्लोरिंग जिसके की जाती है वो भी पॉलीविनिल क्लोराइड से ही की जाती है। उसके बाद में है पॉलीएक्रिलामाइड, पॉलीएक्रिलामाइड जो होता है उसको हम लोग जेल के जैसा यूज करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में। इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपका जो भी डिस्पर्स पार्टिकल्स है वो मूव होते हैं जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हो। नेक्स्ट है यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, है ना, यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन जो है बेसिकली उसका देखो उसका यूज क्या होता है। यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन का यूज होता है अनब्रेकेबल डिनर वेयर बनाने के लिए। जैसे पहले के जमाने में बहुत सारे ऐसी प्लेट्स थी, ऐसे डिश थी जिस अगर वो गिर जाती तो वो ब्रेक हो जाती, बट आजकल जो डिशेस आप देख रहे हो वो एक्रेलिक की नहीं होती है, वो गिरने के बाद भी ब्रेक नहीं होती है क्योंकि वो बनती है यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन से। इसी के साथ साथ डेकोरेटिव लैमिनेट्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। जो भी ग्लिप्टल होता है, ये पेपर में भी आया है, आई थिंक बोर्ड 2020 या 2019 में आया है कि ग्लिप्टल जो होता है वो काइंड यूज किया जाता है, पेंट और लैक्वर बनाने के लिए यूज किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट का यूज होता है इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर में, फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर्स बनाने के लिए। और जो थर्मोकॉल है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल स्टाइरीन है जिसकी वजह से जिसको अभी फिलहाल तो बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हुए आपके सारे के सारे पॉलीमर्स के यूजेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियो। नाउ वी ओनली लेफ्ट विथ वन चैप्टर वन शॉट दैट आई विल कम्प्लीट एज अर्ली एज पॉसिबल दैट आई कैन। सो आई हैव रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लेट्स स्टॉप हियर एवरीवन।